बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम्स या मूवी में होते हैं और हमें अचानक से वॉशरूम जाना होता है, लेकिन हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है, या फिर हम ऐसी जगह होते हैं जहां आसपास कोई भी वॉशरूम नहीं होता है। इन सिचुएशंस में कुछ देर रुकने के बाद और रुकना मुश्किल हो जाता है और हमें वॉशरूम जाना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों है, हमें हर थोड़ी देर में वॉशरूम क्यों जाना पड़ता है? वेल, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। हमारे सेल्स लगातार नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड में ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी को ब्लड क्लीन करना पड़ता है। अब क्योंकि ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होता है, किडनी इसे कंटिन्यूअसली फिल्टर आउट करती रहती है। पर हमारी किडनी इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो सिर्फ यूरिया फिल्टर कर ले, वो यूरिया के साथ साथ वाटर और सॉल्ट्स को भी फिल्टर आउट कर देती है। यूरिया, सॉल्ट्स और वाटर, इन सबको मिला के यूरिन बनता है। इसलिए अगर यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट नहीं हो रहा है तो या तो हमारी किडनी के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे सेल्स काम ही नहीं कर रहे। अब जाहिर है, अगर हम जिंदा हैं तो हमारे सारे सेल्स तो काम करना बंद नहीं कर सकते। तो अगर हमारी किडनी सही से काम कर रही है तो हमें हमेशा कुछ घंटों में वॉशरूम जाने की जरूरत होती है। और हाँ, वॉशरूम जाना जरूरी होता है। तो किडनी कैसे काम करती है ये जानने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आरओ वाटर प्यूरिफायर के बारे में तो सुना ही होगा, आप में से कुछ लोगों ने उसे पानी लेके भी पिया होगा। अब अगली बार जब आरओ प्यूरिफायर देखो तो कुछ चीजों पर ध्यान देना। ये प्यूरिफायर नॉर्मल पानी अंदर लेता है, उससे गंदगी हटा के पीने के लिए साफ पानी देता है। पर अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक और पाइप है जहां से बेकार पानी बाहर आता है। तो हम इजीली खराब पानी को यूरिन के साथ और आरओ प्यूरिफायर को किडनी के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे आरओ प्यूरिफायर में अंदर की तरफ फिल्टर्स होते हैं, हमारी किडनी में भी नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्टरिंग यूनिट की तरह काम करते हैं। चलिए अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं और ये जानते हैं कि वो ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। बोमेंस कैप्सूल को देखो, यहाँ एक ब्लड वेसल है जो ब्लड को कैप्सूल के अंदर ला रही है। इसे एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। अंदर आने के बाद एफरेंट आर्टेरियोल बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। इन ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये कैपिलरीज फिर से ज्वाइन होके एक ब्लड वेसल बनाती है जो ब्लड को कैप्सूल के बाहर ले जाती है। इस ब्लड वेसल को एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। तो ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू अंदर आके ग्लोमेरुलस में जाता है और फिर एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर आ जाता है। इसे आप AGE से याद रख सकते हो, जिसका मतलब है एफरेंट ग्लोमेरुलस एफरेंट। अब क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड बहुत ही तेज प्रेशर के साथ फ्लो करता है, ब्लड के छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स ग्लोमेरुलस से बाहर आके बोमेंस कैप्सूल में एंटर हो जाते हैं। क्या समझने में थोड़ा मुश्किल है? ओके, सोचो आप एक चाय की छलनी यूज कर रहे हो। उसके लिक्विड में पानी और स्मॉल सॉल्यूट्स होते हैं जो इजीली छन के नीचे आ जाते हैं, बट चाय पत्ती के बड़े बड़े दाने फिर भी फिल्टर नहीं हो पाते। नेफ्रॉन्स में भी बिल्कुल यही होता है। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों पोरस होते हैं और इसलिए जब ब्लड तेज प्रेशर के साथ फ्लो होता है, वाटर और छोटे मॉलिक्यूल्स फिल्टर होके कैप्सूल में आ जाते हैं। आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड यूरिया छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो फिल्टर होते हैं, जबकि ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स फिल्टर नहीं हो पाते और ब्लड में ही रह जाते हैं। ब्लड के इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं और जो चीजें फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आ रही हैं उन्हें एक साथ फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट वो लिक्विड है जो बाद में यूरिन बनेगा। आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि एक मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बनता है, जिसका मतलब है कि एक दिन में 180 लीटर्स। और 180 लीटर्स तो उन 12 टू 13 बकेट्स के बराबर है जो बाथरूम में हम यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा है ना? हम डेफिनेटली इतना यूरिन तो नहीं रिलीज करते हैं। तो फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, वो जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो। आई विल सी यू सून।